तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। एंड देन आज है रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है, और उसके बाद आज वसंत पंचमी भी है। बहुत मजा करने वाले हैं, धमाचौकड़ी होने वाली है। कल हम अपनी पुरानी सोसाइटी में जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पे झंडा वंदन है, वो अटेंड करेंगे। उसके बाद फिर हमें जाना है जो भोपाल का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वहां हम जा रहे हैं। अनुज भी हमको लेकर जाएंगे, तो वहां भी पूरा देखेंगे। और रिपब्लिक डे वाले दिन ऐसी प्लेसेस पे जाना भाई बहुत अमेजिंग होता है। और तो वहां पर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऐसी जगह पे अलाउड नहीं होती है। और एक अच्छा सिटीजन होने के नाते आपको यू नो रिकॉर्डिंग करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसी हैं, उन्हें वैसा रहने दो। यू नो यू डोंट हैव टू शो देम टू ऑल, बट वो एक एक्सपीरियंस है जो हमारी लाइफ में जुड़ेगा। और आई एम रियली एक्साइटेड टू गो देयर, और देखना चाहता हूँ मैं रिपब्लिक डे पे वहां कैसा क्या होता है। बाकी उसके बाद फिर हम लेक जाएंगे और मस्ती करेंगे, धमा चौकड़ी करेंगे, फिर क्या सीन है वो सब आपको बताएंगे, सब दिखाएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वही सब बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच गाइज, इतने से दिनों में इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, एंड मजा आ रहा है, मतलब कॉन्टेंट बनाने में मजा आ रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। हमारा चश्मा आ चुका है फाइनली, अब देखते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या भेजा है। आई होप कि वही भेजा हो जो मैंने बुलवाया था। ब्यूटिफुल गाइज, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, कार्ड वगैरह 25% ऑफ, ये सब तो चलो हटाओ। भाई साहब कितना खूबसूरत लग रहा है यार, ब्यूटिफुल मैन। और इसमें ना ब्लू लेंस लगे हुए हैं गाइज, क्योंकि आप जितना भी स्क्रीन टाइम यूज़ करते हो ना, उसमें बहुत हार्मफुल रेज निकलती हैं, और वो आपकी आईज को यू नो आई साइड को भी डैमेज करती हैं, बहुत ड्राई कर देती हैं। तो जो ब्लू लेंस होता है ना, ये 90% वो रेज रोक देता है। तो इट्स वेरी हेल्पफुल अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना जिसमें आपको बहुत स्क्रीन टाइम बिताना पड़ता है। भैया गणतंत्र दिवस की और वसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयां आप। ये बहुत बहुत बधाइयां, भारी हो गया। कब आई वापस? कल। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी नमस्ते। ये कैसा लग रहा है वहाँ पे तेरे को? अच्छा, मजा आ रहा है। हाँ। अरे वाह यार, अभी कब तक है तू यहाँ पे? दो चार दिन। यार मेरे सब्सक्राइबर्स को बोल दे लाइक और शेयर करने को। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कौन बोलेगा? सब्सक्राइब। थैंक यू, टाटा। बोलो आ चुके हैं झंडा फहराने के लिए गाइस। आज है गणतंत्र दिवस और है वसंत पंचमी, बहुत ही एकदम इतना अनोखा कॉम्बिनेशन है ना गाइस, क्या बताऊँ। बहुत मजा आ रहा है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत फन मस्ती होने वाला है। लेकिन पहले हम झंडा वंदन कर लें, उसके बाद फिर हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा बहुत दिखाएंगे। ज्ञान की देवी कृपा करो, जय हिंद जय हिंद जय भारत जय भारत। आप सभी को काउंटर लगा रहे हैं, हम सब आएंगे उस काउंटर पे जाके सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो गाइस गणतंत्र दिवस का पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से हो चुका है, बहुत मस्ती की फोटो सेशन चलता रहा, और ये इतना भयानक फन किया हमने क्या बताया। और एकदम से ना देशभक्त वाली फीलिंग जाग गई है, मज़ा ही आ गया भाई। और पता नहीं यहाँ पे नाश्ते वाश्ते की कहानी हो रही है, तो चलिए देखिए यहाँ पे चल रहा है खाना पीना। ब्रेकफास्ट में इनके पास है पोहा कचौड़ी वचौड़ी, ये देखिए गाइस पोहा खा लो। ये है हमारे हेवंस के मशहूर पोहा, ये जो आप नमकीन देख रहे हो ये रतलाम का जो बेसन है ना, हेलो मलेशिया से मंगवाया है। मलेशिया देखना, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। हाय की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भैया आपको। हार्दिक क्या है, कान खींचने वाली भाभी रंगे हाथों पकड़ी गई। अरे भाभी चलिए चलिए दादी चलो, ये तो पुण्य का काम कर रहे हो आपको भी भाभी।
सेम टू यू भाभी, बाय दादी बाय भाभी। हम आ चुके हैं लेक, फाइनली दोबारा लेक आ रहे हैं, और दिन में लेक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको लेक दिखाना है। रात में आपको हम लेक दिखा नहीं पाए थे, और कई लोगों का ये कहना था कि लेक के नाम पे हमने उनका बुद्धू काट दिया। सो गाइस ऐसा नहीं है, हम फिर आए हैं मेहनत करके लेक दिखाने के लिए। भोपाल वालों ने तो देखा है, जो भोपाल के बाहर के हैं वो भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है भाई। और नीचे जा रहे हैं थोड़ा बहुत, यू नो, कुछ खाने पीने का चटर वटर लेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम जाएंगे भाई यहाँ ऊपर पहाड़ी पे। विंडन वेव्स और सीसीटी नहीं जाएंगे, बीच में जो रास्ता दिख रहा है ना वहाँ जाएंगे। और ये जा रही है गैंग, एज यू कैन सी गाइस, बहुत खूबसूरत शहर है हमारा। यारो मिलना दोबारा। मेरी बात सुन, ये तो बड़े वाले था मैंने ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, खेल को दिखाओ खेल। आप दिखा पहले, ऐसे कर, कितनी गोली है ये? सच का जादू तो पहले अनुप को गैप कर रहे हैं, हमें चिपके लग रही है। हां केसरिया, हां रवीना टुंटुन पानी पीने निकल गई, दौड़ गई, रख दी उसने, नाश्ता करने डर नहीं, खाना खाने एक गई, यहाँ बता रहा है तीनों शुरू से इसको इधर उठी में दो हो गई, गई तीन हो गई। अरे गजब यार, बहुत बढ़िया सीख रहा है। तो गाइस अभी आपने जो देखा वो एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था, और उसने बहुत ही अच्छा सा मैजिक करके दिखाया है, सीख रहा है, कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है एक दो साल बाद जब मैं वापस आऊंगा तब तक वो बहुत बड़ा मैजिशियन बन चुका होगा। क्या बोला तूने? मैगी की तैयारी चल रही है यहाँ पे, बहुत तेज भूख लगी है भाई। भैया मैगी बना रहे हैं गाइस, मैगी आ चुकी है, और मैगी के साथ होने वाला है यहाँ पे लाइव म्यूजिक, मजा आ जाने वाला है गाइस। सामने से नहीं, गाइस फाइनली हम लेक से निकल चुके हैं गाइस, नाश्ता वगैरह जो भी हमें करना था हम कर चुके हैं। चलते 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 मेरे तो बाल सफेद हो गए, ऐसा लग रहा है कितनी सदियों से चलता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा ऊपर गाइस कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए। और तो मेरा मन नहीं था, बट ठीक है, प्लान में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, भैया लोगों का कुछ सीन सेट हुआ है कहीं और जाने का, तो हम लोकेशन चेंज करेंगे। तो चलिए गाइस हम मूव करते हैं अपनी नई लोकेशन के लिए। लेक और आसमान पूरा पानी एक जैसा हो गया, तो समझ ही नहीं आ रहा यार। हमें कुछ मीठा खाने का मन था तो हम आगे यहाँ पे पेस्ट्री खाने, और ये अनुज भैया को कुछ खाना था नमकीन में, तो ये अजवाइन कुकीज ले लिए, अब जा रहे हैं भैया के घर पे। ओए हाय हाय।
तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं पूरा घूम घाम के, और रिपब्लिक डे बहुत ही अमेजिंग मनाया भाई, बहुत फन किया, इधर उधर घूमते रहे, नए लोगों से मिले, आर्मी एरिया देखा भाई, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और अब हम आ गए गुप्ता जी के घर पे। तो गाइस मुझे अपना ब्लॉग अपलोड करना था, फटाफट मैंने अपना ब्लॉग अपलोड किया, उसके बाद फिर भूख लग रही थी, आंटी ने हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी बैगन का भरता और दाल और ये पापड़ दे दिया। भाई इतनी भूख लगी है ना, ऑल्दो हमने खाया था बाहर, बट भयानक भूख लगी है। तो चलिए फटाफट इस खाने को चट कर देते हैं। तो तू क्यों शादी कर रही है अभी? अरे मेरी शादी सही है, बोल तू जा चुकी है। अच्छा तू तो बोली थी मैं शादी कर रही हूँ फरवरी में। ये बता वहाँ कैसा लग रहा है तुझे, मजा आ रहा है वहाँ पे? ठीक है, मजा है। यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है कि वहाँ ज्यादा अच्छा लगता है? भोपाल ज्यादा अच्छा लगता है। देख ना चाचा घोड़ा मत देना लात मार के। ओ भाई ओ भाई, 14 प्रो मैक्स चाहिए? अबे मैक्स तेरी हाइट से लंबा है यार, मैक्स का क्या करेगी तू? चलाऊंगी उसके अंदर। अगर चलानी है तो वो गाड़ी दे दूंगा ना रिमोट वाली, क्या चलेगी? अरे भाई ओ भाई भैया, गजब है। देखो जैसे ये तुम्हारे नोट है ना, ऐसे ही आईफोन मिलेगा नकली। बाय बाय, अमिताभ अगले भाग में।